Welcome all of you, Anandji, Anand Pandey the Great, Madhur, Anupam, Sir, Salim, Suleiman, Sukhvinder, Shakti, my editor, and the post-production guy who really contributed a lot, Subhashji, Namaskar, and man of the match, Rohit Shetty. we really want to thank you on behalf of IFTTA for participating in this great event of ours. Anand, welcome you also on this great event. Basically, jitne bhi is pure Zoom pe hain aaj, I really thank you all from the core of my heart because aap hi log ho jo mujhe aur hum sabko encourage karte rehte ho baar baar har kadam kadam par jahan tak cheezon ka sawal uthta hai kabhi bhi. Hum pichle कई दिनों से पिछले तीन चार महीने से जो जूझ रहे हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री जिन तकलीफों के दौर से गुजर रही है. यू ऑल हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल टू स्टैंड बाय स्पेशली द टेक्नीशियंस द वर्कर्स एंड एवरीवन. तो ऐसे ही दिमाग में आया कि कुछ शुरुआत हो गई है. कहीं ना कहीं हमने मैनेज किया है कि शूटिंग्स टेलीविजन की शुरू हो रही है और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. तो इसी दौरान हमारे दिमाग में कुछ आया कि कुछ एक मॉरल बूस्ट के लिए एक गाना बनाया जाए, वही हम कर सकते हैं. तो मैंने रिक्वेस्ट किया सलीम सुलेमान से और सुखी से, सुखविंदर से, कि क्यों ना आप कुछ सोचे इसके बारे में. और पिछले 20-25 दिन में हमने वर्कआउट करके ये गाना बनाया और ये पूरे सोशल मीडिया पे, पूरी इंडस्ट्री में ये गाना जाएगा, न्यूज चैनल्स सब जगह कोशिश की जाएगी. और आप लोगों की सबकी मदद चाहिए कि आपकी जितनी भी पीआर टीम है, आपके जितने भी लोग हैं, ये गाना सब जगह फैले. और ये इस गाने में ताकत है हमारी इंडस्ट्री का एक एंथम. राजू हाय. हाय हाय हाय, सॉरी लेट हो गया. वेलकम 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 राजू. हाय 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 एवरीबॉडी. हाय राजू. हाय राजू. हाय हाय मधुर, कैसे हो? थैंक यू राजू फॉर कमिंग इन. सो व्हाट आई वाज सेइंग राजू इज दैट वी ऑल are very thankful to all of you for being you know always standing by the causes and the fights and the issues which we are you know fighting especially during this pandemic. To ye gana jo socha hum logon ne aur fir ye gana bana aur kahin na kahin ek halki si ray of hope jo hai wo nazar aa rahi hai apni industry ko leke jaise baki industries ka bhi sawal hai. To हम सब आप सब जो आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये गाना बेसिकली लॉन्च करने के जरिए से हम साथ में मिले हैं ताकि हमारा मनोबल एक दूसरे के काम आए, एक मनोबल, एक कॉन्फिडेंस एक दूसरे के साथ रहे और ये पूरे हम उसी माहौल में वापस आए, इसी मनोकामना से हम सब आपस में आज मिले हैं. गाना आप सबों ने देख लिया है तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप लोगों से इंडिविजुअली रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट इस गाने के बारे में आपकी क्या राय है एंड अ मैसेज टू द एंटायर इंडस्ट्री फ्रॉम यू. हम कलाकार हैं, हम कलाकार हैं, हम कलाकार हैं. So we start with Raju, your reactions and what do you have to say? Yeah. नहीं, सबसे पहले तो it's a beautiful song, बहुत खूबसूरत गाना. सुखी जी नमस्कार. नमस्कार. सलीम सुलेमान, हाँ, wonderful 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 song. मैंने कल सुना जब तो एक तो बहुत नॉस्टैल्जिया होता है देख के कि अच्छा ऐसा लगता है किसी पिछले जन्माने में ऐसा कुछ हुआ करता था. So एक्चुअली हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं अभी वो खुद ही एक फिक्शन लगता है. एक्चुअली अगर ये नहीं हुआ होता, कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखता तो हम कहते हैं कि ऐसे थोड़ी हो सकता है यार कि पूरा प्लेनेट बंद हो जाए. सो व्हाट वी बीन थ्रू इटसेल्फ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. सो पर आई थिंक हर आदमी अजीब दौर से गुजर रहा है, अप्स एंड डाउन्स सब किसी के लाइफ में है, पर एक ही उम्मीद है कि हर आदमी कहता है कि टेम्परेरी यार, कब तक चलेगा, अंत तो होना ही है. और उस वक्त ये गाना बड़ा मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग गाना है कि हम कलाकार हैं और हम फाइनली अपनी दुनिया में लौटेंगे. तो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग और मुझे लगता है जो भी
इस फील्ड में काम करता है, गाना सुनेगा तो उसे डेफिनेटली छुएगा, या जो सिनेमा भी देखता है उसे भी छुएगा कि यार सिनेमा कभी तो वापस आएगा, फिर हम थिएटर जाएंगे. सो ग्रेट जॉब एवरीबडी, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन दिस, सुपर्ब जॉब. थैंक यू राजू, थैंक यू वेरी मच. आनंद, योर रिएक्शन. सर मैं तो पहले तो सबको नमस्कार. सुभाष जी, आनंद राय द ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत. सलीम सुलेमान, आप बहुत बहुत बढ़िया गाना. सुखी भाजी, बहुत दिल को छूने वाला गाना. और थैंक यू अशोक जी, पूरा यूनिट, पूरा क्रू दिखाया आपने इतने टाइम बाद. अकेले अकेले सोशल डिस्टेंसिंग में मतलब रह के बड़ा अजीब सा लग रहा था. एक एक यूनिट पूरा, एक क्रू, एकदम खुशहाल क्रू देखा बड़े टाइम बाद. लगा कि हाँ हैं हम लोग, डायरेक्टर्स ही हैं, एक दिन वापस लौटेंगे. सो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. सो ये वही वाला है, ये जितना दर्द दे रहा है ये वक्त, उतनी कहानियां हम निकाल पाएंगे. वो कहते हैं ना, वो किसने कहा वो साहब ने कि आप हमें खून दो हम आजादी देंगे. हमें लग रहा है आप हमें दर्द दो हम कहानियां देंगे. तो है तो दीजिए दर्द, हम कहानियां बना के लाते हैं सर. सो थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आनंद. रोहित, योर वर्ड्स. इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, सबने बोल दिया. सलीम सुलेमान एंड सुखी भाजी. हेलो, सुखी भाजी के साथ मैंने असिस्टेंट में भी काम किया है. अरे नहीं, यू आर अ फैंटास्टिक. सो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट इमोशनल एक्चुअली. ये हम ही सब समझ सकते हैं, जो लोग देखेंगे, जैसे आनंद जी ने कहा कि उनको भी लगेगा कि कब सिनेमा, दे मस्ट बी आल्सो मिसिंग सिनेमा. बट फॉर अस इट इज समथिंग एल्स. हमारा इमोशंस अलग है इन सब चीजों से लेके, एंड वो सिर्फ हम समझ सकते हैं. और आई होप कि जल्द वो जो दिखाया है आपने, वो हमारी दुनिया है एक्चुअली, दैट इज अ वर्ल्ड. अभी तो जब जितनी जल्दी ये सब खत्म और होगा ही, ऑब्वियसली दुनिया ऐसे तो चलेगी नहीं, और सब काम पे चले वापस, यू नो. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि टीवी वगैरह शुरू हुआ है, थोड़ा वोकल्स को हेल्प हो गई. अब यू नो ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग बैक, एंड एक दूसरे को देखकर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अब तक हम सिर्फ टेलीविजन पे खबरें सुन रहे हैं, यू नो, व्हेन यू गो ऑन फील्ड जॉब, और जब आप देखते हैं कि कैसे हम सब साथ में जब रहे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस अलग होता है. आइसोलेशन में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है. सो आई थिंक इसको हम सबको मिलकर इसे लड़ना होगा, एंड आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग इज स्टार्टिंग अगेन. और बहुत जल्द ये वक्त वापस देखेंगे हम सब. अनुपम, योर रिएक्शन. First of all, congratulations to composer Suleiman Saleem ji, and of course the singer Sukhwinder. What a powerful voice! And the lyricist, आपने lyricist का नाम नहीं बताया मुझे. हाँ जी, Sukhwinder himself. अच्छा, खुद ही लिखा. बहुत अच्छा लिखा है. Congratulations to all of you. I think इस पूरे दौर में सबसे important जो four letter word है वो है hope. And ये गाना बेशक आपने हमने फिल्म वालों के लिए बनाया, आई थिंक, बट इट अप्लाइज टू द होल ह्यूमैनिटी. इट अप्लाइज टू एवरीबडी हु हैज अ जॉब, हु हैज एक्सपीरियंस गोइंग टू द ऑफिस, गोइंग टू द फैक्ट्रीज, गोइंग टू द होटल्स, गोइंग टू द एयरपोर्ट्स. ये उसको रिप्रेजेंट करता है. बट हाँ, हमारा नॉस्टैल्जिया फिल्मों से जुड़ा हुआ है, कैमरा से जुड़ा हुआ है, जूनियर आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ है, लाइट मैन से जुड़ा हुआ है, तो वो देख के हमको ऑफकोर्स इसकी फीलिंग आती है. बट जिस अंदाज में सुखविंदर जी ने गाया है उसे बहुत ही जोश आता है. एंड इस समय हम अपने लोगों को, जो हम तो फिर भी अपने वर्कर्स को हम होप दे सकते हैं. सबसे बड़ी बात होती है मनोबल देना. सबसे बड़ी बात होती है कि किसी को बोलना कि फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा. तो ये गाना वो रिप्रेजेंट करेगा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा. जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, जो फ्यूचर को सोचकर अनसर्टन है, लाइफ को सोचकर अनसर्टन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से it will play it will give a light of a kind of an oxygen, it will be a injection of hope which we all need. And Ashok, thank you very much for you always bringing out the best in all of us, the human in all of us, the person in all of us. And that's why all of us are there together to support your initiatives and Iftira's initiative. And congratulations, and let's just take it to the whole world. This, let's not say that this is only about film people. This is about humans. This is about human beings. That's very important. Thank you. Thank you. Anand Pandit, your reaction, please.
मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि कांग्रेचुलेशन टू इफ्टडा एंड अशोक पंडित जी, आप मेरे बड़े भाई साहब है, सरनेम तो सेम ही है, और मैं काफी दूसरी इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं ये एक ऑफ द ट्रैक बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री ने, हर एक इंडस्ट्री ने आज कंप्लेन के स्वरूप में सरकार को या सब लोगों को कुछ न कुछ एक्टिविटी की है, लेकिन कोई इंडस्ट्री ने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट वंस अगेन इफ्टडा, अशोक पंडित जी, सलीम सुलेमान जी एंड सुखीपा जी फॉर गिविंग सच ए फैंटास्टिक सॉन्ग, एंड आई एम श्योर हम सबके ये जैसे अनुपम जी ने बताया वैसे सबके सोशल मीडिया पे डाल के ये दूसरों की भी लाइफ को टच करेंगे, दूसरी भी इंडस्ट्री को ये टच करेगा, ऐसा मेरा होप है। थैंक यू। योर रिएक्शन? बहुत बहुत अच्छा अशोक, अच्छा लगा अनुपम जी की वॉइस ओवर से शुरू हुआ, और बहुत ही मेरे ख्याल से इतना पॉजिटिव, इतना ऑप्टिमिस्टिक है ये पूरा गाना, बहुत ही इंस्पायर करेगा। और जैसे राजू ने कहा कि वाकई में नॉस्टैल्जिक है, दादा साहब फाल्के साहब से लेकर हमने इतने तमाम फिल्म मेकर देखे और जिनकी पिक्चर देखे हम बड़े हुए, उन सबको देखने मिला, और आपने हर चीज जो शूटिंग आज पिछले 4 महीने से हम मिस कर रहे हैं या सेट पे जाना मिस कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आई है, एंड वेरी पॉजिटिव, वेरी बहुत ही इंकरेज करेगा लोगों को, और ये नीड ऑफ आवर है ये जो पूरी जो समस्या है। और अशोक मैं आपको तो डेफिनेटली, आप यू ऑलवेज वन पर्सन हु यूनाइट्स द एंटायर इंडस्ट्री आई वुड से, एंड टुडे दिस इज अ प्रूफ यू गॉट सो मेनी पीपल ऑनटू वन प्लेटफॉर्म, एंड इफ्टडा जो आप लोग हमेशा करते हैं लोगों को लाते हो और वर्करों की मदद करना, मैंने लोग को ऐसा है कि रात को 2 बजे फोन कर अशोक पंडित आ जाता है सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव अशोक, एंड मोर पावर टू यू एंड योर टीम, एंड आई होप दिस काइंड ऑफ सॉन्ग डेफिनेटली विल गो ऑल आउट टू प्रमोट दिस एंड गिव्स अ पॉजिटिव होप अमंग ऑल द पीपल, नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री लाइक अदर फील्ड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच अशोक। सुभाष जी आपकी आपके रिएक्शंस? See, first of all, my heartiest congratulations for your initiative, Ashok ji, Sukhi ji, and Salim Suleiman ji. And I can see one thing from the song, and that represents us. In all the crisis, movie industry has been always the first and prime person in the society who has a compassion and who comes out with something concrete. In terms of song or entertainment or event or collection of funds for the workers, अगर हम लोगों में compassion नहीं है तो हम फिल्म में ही नहीं है, हम नाटककार हो ही नहीं सकते अगर emotions नहीं हमारे, हमारा काम क्या है, हम कलाकार हैं, कलाकार हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम इंसान के जीवन का चित्र प्रकट करते हैं, we express the human experience with these joys and sorrows, crises and opportunities, changes and challenges. And that is the situation we are all facing. And we are very brave. I think the movie industry people are extremely brave people. They can take any crisis with just a laugh. Hum hans sakte hain apne aap par bhi. Ye hamari strength hai. Aur hame, because we are writers, directors, thinkers, contributor to the human society, so we are on a battle platform that what, how to go on further. So crisis ko opportunities mein banana hamari movie industry ko bahut acha aata hai, because we have been dealing with crisis all through our life. Kabhi tha hi nahi ki koi shooting day aisa ho ya recording aisi ho, aaj crisis nahi hua. Yeah, we have been born with crisis, and crisis have been our pleasure. मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बहुत से 100 दिनों के बीच में बहुत से लोगों ने पूछा तो कि सिनेमा का क्या होगा सर, पोस्ट कोविड क्या होगा, मैं बोला आप क्या लगता है कि लोग जीना छोड़ देंगे, कभी नहीं हो सकता, क्राइसिस आते हैं, पेंडेमिक आते हैं, 1918 में भी आया, 2020 में भी आया, ये थोड़े समय का बॉटलनेक होता है जिसमें हम लोग सब पूछते हैं अब तो खत्म हो गया, नहीं, सिनेमा इज ए फेस्टिवल, सिनेमा इज ए सेलिब्रेशन, सिनेमा थिएटर्स का जो चाव है, जो एक एटमॉस्फेयर है, दरवाजे बंद, अंधेरा, 1000 लोग, तालियां, सीटियां,
एक अपनी ही सेलिब्रेशन है, एक अपना एक्सपीरियंस है जो आपको दुनिया से बाहर लेकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं, वो आपको टेलीविजन नहीं दे सकते हैं। टेलीविजन इज स्मॉलर देन यू एंड स्क्रीन इज सिनेमा इज लार्जर देन यू, सिंपल सी बात है। तो सिनेमा तो व्हेन इट विल कम विद ए बिग बैंग, डबल बैंग आई वुड से। आप जरा देखिए, थोड़ा सा वैक्सीनेशन आने दीजिए, थोड़ा सा समय जाने दीजिए, इट विल कम इन ए वेरी वेरी बिग वे। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सुभाष, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी हर मैं बोलता हूँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाए तो कर सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। सलीम अशोक जी, थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। मैं क्या कहूंगा, शुरुआत आपसे हुई थी और बहुत मतलब हम लोग थोड़ा सा स्टक हो गए थे कि कलाकार है सिर्फ यही लव्स था और आगे कैसे ले जाए। तो यू नो ऑब्वियसली कुछ बनाया था और फिर सुखी जी की जो लाइन थी, गम लेकर दे खुशी, ऐसी फितरत वाले हैं यही हम लोग में। ये यानी मतलब कुछ भी हो जाए, यू नो पीपल आर डाइंग, पीपल आर दिस थिंग, बट एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा स्माइल करके एंटरटेन करते लोगों को, तो ये हमारी फितरत है और दैट इज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्ड अस आगे बढ़ने की। एंड आई वांट टू थैंक शक्ति जो कि इतना कमाल का मतलब जो मॉन्टाज क्रिएट किया विद ऑल द फिल्म फुटेज एंड ऑल द अमेजिंग डायरेक्टर्स एंड लेजेंड, बहुत बहुत अच्छा गया शक्ति। शक्ति इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर आल्सो एंड ही हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू शक्ति फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। इतने से वक्त में किस तरह से पूरे सिनेमा को, अब हमारी पूरी दुनिया को, कलाकारों की दुनिया को किस तरह से एक साथ ले आना थ्रू अ सॉन्ग वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक यू नो आई मीन वो होते ना, बोलते ना कि आई मीन जब नियत सही होती है तो सब कुछ सही हो जाता है। दैट बेसिकली इट स्टार्टेड ऑफ विद अ गुड स्पिरिट एंड या इट टर्न्ड आउट टू बी फैंटास्टिक। थैंक यू अशोक जी फॉर द अपॉर्चुनिटी। सुलेमान, योर रिस्पॉन्स। All I wanted to say is this is a creative effort by creative people for the creative people, and not just the creative people, for the rest of the world, because all we want to do is generate hope. Because is mahol mein, jis mahol mein hum jee rahe hain, the most important thing we need right now is hope. Hope that everything will be okay. Hope that work will go on. Life has come to a standstill, and the only thing right now, all we need is hope. Hopefully this will reach out to people and give them a sense of motivation ki bhai, life has come to a standstill, but we will do something. There will be life after all this is over, and this is a very small effort to generate that kind of hope. Thank you, Suleman. Sukhi Paji, हम कलाकार हैं, दम बेशुमार हैं, हो धन्यवाद। सुखी जी, सुखी जी, सुखी जी, सुखी जी, एक लाइन से नहीं हो सकता, सुखी जी, एक लाइन से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, मैंने अभी अपने परिवार के किसी भी शख्स को या किसी करीबी दोस्त को आज तक पिछले 20-22 सालों से मैं गा रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा ये गाना आने वाला है, फलाना आने वाला है। मैंने लेकिन आज सुबह सबको मैसेज भेजा कि आपको ऐसे चेहरे नजर आने वाले हैं आज जिनमें मैं जरा सा भी शामिल हूं, तो ये मेरी किस्मत है कि जिन पे पूरा संसार यकीन करता है, आप लोगों का एक एक शब्द। चलो फिर मैं वापस उसी, हम कलाकार दम बेशुमार है, हम कलाकार है, परवरदिगार हम सबको शक्ति दे और हम लोगों की सेवा करते रहें। फिर आप सबको मेरा सत्य। क्या बात है सलीम, सलीम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप भी कुछ बोलो अभी। नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ सर। आपने, आपने 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 मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट को माना और आप सब
आए मेरे लिए इससे खुशी खुशी की बात नहीं हो सकती. आई एम सो आई डोंट एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स टू रिएक्ट यू नो कि ये ऐसा भी हो सकता है और हम एक साथ मिलकर बाकी फिर से खड़े होकर यू नो लाइट साउंड कैमरा की जो आवाजें हैं वो फिर हमारे सेटों पे गूंजेगी. अशोक जी हम देखिए अशोक जी हम खुशियों में साथ होना हो लेकिन दुख में जरूर साथ होते हैं. दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट और वही होना चाहिए. शक्ति शक्ति यू वांट टू शक्ति यू वांट टू से समथिंग. I actually want to say a big thank you to all the people on this call today, because it is actually a huge contribution by all of them to inspire us. They make such great cinema that it is actually what inspired the emotion behind this song. And I'm happy that we were able to capture, you know, the feelings that you all feel while you're on set. So thank you, Ashokji, for giving me this chance. This was Ashokji's brainchild, where he started with this idea that we should capture the lives of the day-to-day workers of the film industry, the people who are the ground-level workers of the film industry. So a big thank you to Ashokji and a big thank you to all of you. I think today, you know, usually ek director se approval milna mushkil hota hai. Aaj hume itne sare esteemed director se approval mila hai. It's a great success. Very good, Shakti. Very nice. Keep up the good work. Thank you. Ashokji, sorry, chota mo badi baat, lekin ये फिल्म जब बाहर आएंगी, मतलब अभी आने वाली है, हम लोग सब ट्वीट वीट करेंगे और पोस्ट वोस्ट डालेंगे, जो कॉमन आर्टिस्ट है, मतलब लाइट मैन से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर जो भी है, उन लोग के अंदर भी एक ऑब्वियसली एक वो आशा जागेगी. पर यू नो देयर इज आई मीन इट वुड बी नाइस कि अगर हम लोग वो मैसेजिंग अगर हम लोग ट्वीट पे डाल दें या पोस्ट पे डाल दें कि कब तक अपनी इंडस्ट्री, कब अपने दरवाजे वापस खुल रहे हैं और कब वापस वो रोशनी जगमगाएगी, तो वो थोड़ा सा आप अगर हमें कह दे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. आई थिंक जीआर के कुछ नोटिसेस अभी आए हुए हैं ना, शूटिंग्स सलीम शूटिंग्स कैन, हमको परमिशन मिल गया, वी स्टार्ट शूटिंग, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. द ओनली थिंग इज दैट टेलीविजन मिनिमम कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो जागना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फियर साइकोसिस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड एंड मुंबई इज क्वाइट 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 बैड, यू नो. सो इट्स बेसिकली आपका कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप जो है काम शुरू करेंगे. एंड आई रियली वांट टू विश ऑल आवर फ्रेंड्स हियर हूज फिल्म्स आर कंप्लीट एंड अबाउट टू रिलीज. रोहित, वी ऑल रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सूर्यवंशी. वी होप एंड वी प्रे दैट वी सी योर फिल्म इन थिएटर्स एंड योर फिल्म विल आई रियली वॉन्ट दैट योर फिल्म टू बी अ बिगिनर ऑफ क्लैप्स एंड विसल्स एंड you know this thing in theaters and to begin a new era of cinema after this difficult times of ours, really. And I'm telling this because you know I'm sharing this with all of you is that the worst crisis whenever we have faced, and I on behalf of Iftida and you know the way hum kya jara bhi kuch takleef hoti thi hamare paas apne kuch dost hain jinko hum phone karte hain aur wo turant wo madad आ जाती है हम लोगों को. वी आर पेशेंट्स एंड वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स व्हिच आर रेगुलर बेसिस पे. सो आई रियली वांट टू यू नो थैंक रोहित, राजू, हिरानी, आनंद, यू नो सलीम सुलेमान, ऑल ऑफ अस टू यू नो स्टैंड बाय दिस ह्यूमैनिटी, दिस ह्यूमन इश्यूज एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स. एवरीबडी इज सक्सेसफुल, एवरीबडी इज डूइंग द जॉब एंड ऑल दैट, बट आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू बाय फॉर स्टैंडिंग बाय यू नो आनंद, standing by these issues and these reasons, which really gives confidence to the industry, the kind of message which goes across, you know, even during this pandemic now, the way all of you came in, you came forward and stood by the workers, for the technicians, without making any noise. Subhash ji, ye matlab kamal ka ek feeling hum log ke aapas mein hai. So really special thanks, my folded hands to all of you for standing by, you know, for these wins causes, Rohit ji. Thank you everybody, thank you very much. Thank you. Bahut shukriya aap sab logon ka. Lovely to see all of you. Lovely to see everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Bless you.